हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोगों का, मेरे पास कुछ दिन से काफी ज्यादा कमेंट आया था कि पोको का C3 स्मार्टफोन में हम कैसे फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। अगर आप लगा सकते हैं तो क्या ऐसे लगा सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होगा, अगर आप नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते, इसके बारे में पूरे डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखते रहिए, बिना स्किप कर देखिएगा। उससे पहले मैं नाम सिपू, आप देखें यूट्यूब चैनल से पूजा। चले फटाफट वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। So guys, ये बात तो आप लोग अच्छे तरीके जानते होंगे कि इस स्मार्टफोन में आपको कोई फिंगरप्रिंट लॉक देखने को नहीं मिल जाता। ऐसे में आपके पास पहला तो ये ऑप्शन है कि आप किसी प्रकार का थर्ड पार्टी ऐप का यूज करें, या फिर आपके पास दूसरा ये ऑप्शन आ जाता है कि आप किसी प्रकार के थर्ड पार्टी वेबसाइट से कोई रूट वाले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, या किसी प्रकार के थीम को डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए होंगे तो ये बात आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि हमारे चैनल का जो पॉपुलर अपलोड है जिसमें 50K से प्लस व्यूज है जिस वीडियो पर, उस वीडियो में मैंने यही बात को समझाया कि आप फिंगरप्रिंट लॉक को ऑर्गेनिक रूप से नहीं लगा सकते, आप किसी थर्ड पार्टी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन आप फेक फिंगरप्रिंट लॉक को यूज करेंगे। आप ये बात अच्छे तरीके से पहले से ही जानते होंगे। यार मैं आपको बता दीजिए, जो फेक फिंगरप्रिंट लॉक प्रोसेस कैसे करता है, अगर आपको नहीं पता है, यहाँ पे आपको जो 1 टैप 2 टैप और 3 टैप वाला ऑप्शन सेट रहता है जिसमें आप एक बार टैप करेंगे, जैसे फिंगर पे डिस्प्ले पर आता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक, तो उसको एक बार टैप करेंगे अनलॉक हो जाएगा। चाहे आप दो बार फिट कर देंगे तो दो बार आप जैसे टैप करेंगे, आप लॉन्ग प्रेस टैप करेंगे तो आप ऑटोमेटिक वो खुल जाएगा। एक फेक फिंगरप्रिंट लॉक होता है दूसरों को दिखाने के लिए, इसमें कोई भी सिक्योरिटी होता नहीं है। वैसे यहाँ पे आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। गाइस, वैसे तो आजकल काफी कम प्राइस रेंज में आपको फिंगरप्रिंट लॉक वाला फोन देखने को मिल जाता है, काफी कम लो प्राइस रेंज में भी आपको फिंगरप्रिंट वाला फोन देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास इतना ही क्रेज है अगर रियल ऑर्गेनिक फिंगरप्रिंट लॉक यूज करने का, तो आप एक अच्छा सा प्राइस रेंज में अच्छा सा फोन खरीद लीजिए। आप चाहे तो कम प्राइस रेंज या फिर जितना आप मिड रेंज तक में भी अच्छा सा फोन ले सकते हैं जिसमें आपको फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिल जाएगा। आप अगर 10,000 के आसपास खर्च करेंगे तो आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ तक कि आपको 5-6,000 में भी कुछ ऐसे फोन मिल जाते हैं जिसमें और कुछ तो अच्छा नहीं होता है लेकिन फिंगरप्रिंट लॉक देखने को मिल जाता है। ये बात मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कुछ ऐसे फोन बता दूंगा जो बहुत ही कम प्राइस रेंज में आता है और उसमें फिंगरप्रिंट लॉक भी देखने को मिल जाता है। अगर आप खरीद चुके हैं या फिर आप पोको C3 स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं 100%, तो गाइस ऐसे मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप किसी ऐप का यूज कीजिए। प्ले स्टोर पर आपको काफी सारे ऐप मिल जाएंगे, आप जाकर फिंगरप्रिंट सर्च कीजिए फिंगरप्रिंट ऐप, तो आपको काफी सारे ऐप देखने को मिल जाएगा। उसमें अच्छे रेटिंग वाले ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस ऐप का नाम चाहिए आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई के जरिए बता दूंगा। सो गाइस, मैं आपको सेकंड जो हुआ है वो ये तरीका है कि आप किसी रूट के जरिए या फिर किसी अच्छे थीम का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे थीम मिल जाता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि iOS 14 को फुल आप अपने एंड्रॉइड फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं विदाउट रूट का, और वो वर्क भी करता है। वैसे ही सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग मॉडल का आता है। जैसे कि आप देखेंगे iOS 14 वाला जो थीम का जो लिंक आता है जहाँ से आप डाउनलोड करते हो उस थीम को, उस थीम में अलग अलग फोन का अलग अलग लिंक मिलता है, अलग अलग प्रकार का उसका थीम देखने को मिल जाता है। ये बात आपको मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो सेकंड ट्रिक है वो आपको भी वर्क बिल्कुल भी नहीं करने वाला। पोको C3 स्मार्टफोन का ऐसा कोई भी लिंक हमें देखने को अभी तक नहीं मिला है। मुझे जैसे ही पता चलेगा मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। उसके लिए आपको सिंपल क्या करना है, इस चैनल को ना सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। जैसे ही मुझे पता चलेगा लिंक के बारे में एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, या फिर आप जाकर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां पे आपको मैं स्टोरी लगा दूंगा जिससे कि डायरेक्ट आप स्वाइप अप करके वहां से उस लिंक को से आप इस प्रकार के थीम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आप लोग सब कुछ समझ चुके होंगे, इस वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो चुका होगा। आप लोग वेट कीजिए, जैसे ही मुझे इसके थीम के बारे में पता चलेगा मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि आप सबका कमेंट काफी ज्यादा आ रहा था, इसी कारण मैं इस टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाता हूं अलग अलग मॉडल के स्मार्टफोन के साथ, और काफी सारे लोगों को मैं ये लिंक शेयर भी कर दिया हूं इंस्टाग्राम पे। गाइस, आप सब में से काफी सारे लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उन लोगों से यह कहना चाहूंगा कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू सो मच चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा। गाइस, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, काफी ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। साथ से अगर आप भी हमें फॉलो करना चाहते हैं मेरे और भी सोशल मीडिया अकाउंट भी, जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर ट्विटर। सो गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनली कुछ भी बातचीत करना हो तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसके यूजर ID sipuja.899, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूं, वहां पे जाकर मैं फॉलो कर लीजिए और फटाफट वहां पे आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। साथ साथ मेरा एक फेसबुक पेज भी है जिसका यूजर ID sipuja.899, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां पे जाकर पेज को लाइक कीजिए और हमें फॉलो भी कर लीजिए। साथ साथ मेरा एक ट्विटर अकाउंट भी जिसका यूजर ID sipuja5, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां पे जाकर मैं जरूर फॉलो कर लीजिए, सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ साथ मेरा एक सेकंड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मिस्टीरियस फैक्ट वर्ल्ड, लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, एक बार जाकर जरूर चेक कीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लेट्स गो।